रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वाति और रचना को घर पहुंचने पर खुशी से मां ने गले लगाया। इंडियन फ्लैग होने से नहीं हुई कोई परेशानी स्वाति व रचना। बेटियों को घर पहुंचने पर पिता हुए भावुक। भारतीय राजदूत ने की बहुत करी मदद। यूक्रेन से दिल्ली, दिल्ली से घर तक सरकार ने सकुशल पहुंचाया। भारत सरकार ने जितनी मदद की है उसके लिए मैं और मेरा परिवार सदैव आभारी रहेगा। रोमानिया से यहां तक आने में मेरा एक भी रुपये नहीं खर्च हुआ है। युद्ध के चलते यूक्रेन के 3 सीटों में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। सरकार ने सिम से लेकर कपड़े तक हमें उपलब्ध कराएं जिससे मेरे परिवार से संपर्क सदैव बना रहा। यह एक ऐसी घटना थी जिसको शायद हम बहनें कभी नहीं भूल पाएंगे। रचना और स्वाति ने बताया कि जब तक भारत के एम्बेसी से संपर्क नहीं हुआ तब तक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। संपर्क होने के बाद सभी सुविधाएं मिली और मैं आज अपने परिवार के साथ हूं। रचना और स्वाति की माता सुनीता वर्मा व पिता राज नारायण वर्मा ने कहा कि सरकार ने जितनी मदद की है वह बहुत है। सरकार ने जिम्मेदारी से हमारे बच्चों को हमारे घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली समाचार चैनल की खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। खबर को आगे भी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वाति और रचना को घर पहुंचने पर खुशी से मां ने गले लगाया। इंडियन फ्लैग होने से नहीं हुई कोई परेशानी स्वाति व रचना। बेटियों को घर पहुंचने पर पिता हुए भावुक। भारतीय राजदूत ने की बहुत करी मदद। ओके नमस्कार, मैं रायबरेली समाचार चैनल से बाबा इंदरनगर के श्री राज नारायण वर्मा जी हैं। उनकी दोनों बेटियां यूक्रेन से वापस आ गई हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। ये क्या नाम? मेरा नाम रचना है और मैं टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ यूक्रेन में। और मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था रोमानिया के थ्रू और हमें एयरलिफ्ट कराया गया था बुडारेस्ट से। वहाँ पे क्या परेशानी आप लोगों को? जैसे वहाँ पे युद्ध चल रहा है। हाँ, तो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो है हमारी जो क्लासेस हैं वो जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन के हमारा जो ये सेमेस्टर एक डेढ़ महीने का बाकी है वो ऑनलाइन होगा। उसके बाद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे ऑफलाइन। आपके साथ आपकी बहन भी थी। हाँ। वहाँ पे काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही थी, इस पर आप क्या बताएंगे? अफवाहें तो बहुत फैलती हैं और अगर आप देखें तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ 3 स्टेट्स में वहाँ की हुआ था, एक ओडेसा और एक खार्किव और एक कीव में हो रहा था। और वहाँ के बच्चे अफेक्टेड हुए थे क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट हुए थे, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी बॉर्डर क्रॉस कराने में और उसमें, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है सह चुके थे। और बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद हमारा सारा जितना भी काम था, जितना भी उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने किया, और उसके बाद जो है हमें यहाँ घर तक भी एकदम सही सलामत इंडियन एम्बेसी ने ही छोड़ा है। क्या कोई सरकार द्वारा कोई पैसा लिया गया? नहीं, मैंने रोमानिया से यहाँ तक जितना भी ट्रेवल किया है वो सारा के सारा गवर्नमेंट के थ्रू वो किया है और मैंने एक रुपए भी नहीं पे किया है। मम्मी से बातचीत होती थी? हाँ, एम्बेसी से क्या मदद मिली? अरे एम्बेसी से ऐसा था कि जैसे हम रोमानिया में थे तो फिर हमारा सिम भी काम करना बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से उन्होंने हमें सबको सिम भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे ताकि हमारे फैमिली के से कांटेक्ट बना रहे, ताकि फैमिली में भी पैनिक सिचुएशंस ना आए। और उसके बाद अगर हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर वो उसको भी पूरी करते थे। अगर जैसे कुछ बच्चों के पास अगर क्लॉथ्स की भी नहीं है तो फिर उन्हें वो भी जो है प्रोवाइड करते थे। और खाने के लिए भी हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, तो फिर मुझे लगता है इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ की सरकार को यहाँ आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? संदेश आप क्या देंगे बच्चों को? अगले महीने बता रहे हैं, 1-2 महीने बाद वहाँ पेपर है। हाँ, तो फिर पेपर के लिए है तो पेपर जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, तो पेपर भी ऑनलाइन ही होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर उसके लिए फिर हमें पढ़ने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है बेटा आपको? घर आके अच्छा लग रहा है और घर वाले भी अब खुश है कि अब हम यहाँ आ गए। अब डर तो बना रहता है, लड़ाई की जगह थी। मेरा नाम स्वाति है और मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ती हूँ।
और मेरा वहीं पर हॉस्टल है, और मैंने बॉर्डर रोमानिया से क्रॉस किया था, और वहाँ पर पहले हमें यूनिवर्सिटी के साइड से, मतलब एम्बेसी के साइड से हमें बस आई थी, हम बस में बैठे और वहाँ से रोमानिया क्रॉस बॉर्डर तक गए थे। फिर हमें 10 किलोमीटर पहले वहाँ पर उतार दिया गया था, क्योंकि बॉर्डर के अंदर अलाउ नहीं है ना वाइट व्हीकल्स का, तो हमें पहले उतार दिए थे। तो वहाँ से चलकर गए थे, और फिर मैंने 4 बजे मैं वहाँ बॉर्डर पर पहुँची थी, और 1 रात मैं वहाँ रुकी थी। उसके बाद मैं सुबह बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया था। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पर बस भेजी थी, तो बस में बैठे, बस के बाद हमें शेल्टर ले गए, और शेल्टर में सारी व्यवस्थाएँ थी, मतलब खाने से लेकर वहाँ पे हमें चप्पलें भी दी गई, हमें मोजे, मतलब हर एक सामान दी गई जो भी बच्चे को ज़रूरत थी। अगर किसी बच्चे ने कहा कि मेरे पास अगर कपड़े नहीं है, तो वो भी उन्होंने दी, प्रोवाइड करवाए थे हमें। और उसके बाद फिर हमें बताया गया कि हमारी परसों फ्लाइट है, तो फिर फ्लाइट में आ गए, वहाँ से बस से हमें एयरपोर्ट ले जाया गया, और एयरपोर्ट से फिर हम फ्लाइट से यहाँ पर आ गए। उसके बाद फिर दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से हमें यूपी भवन ले गए, और यूपी भवन के बाद फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्षेत्र के क्षेत्र से। उसके बाद हम फिर हमें कार में बैठाकर वापस हमें घर घर तक छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि कहीं भी छोड़ दिया, सिर्फ घर पे दरवाजे पर आकर छोड़ा। क्या इसका कोई चार्ज पड़ा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे हम जैसे ही टर्मिनल से निकलते समय हमें जिन बच्चों ने प्राइवेट व्हीकल्स की थी, उन्हें एडवाइजरी थी कि आप अपने जिस जो भी व्हीकल्स कर रहे हैं उसके सामने आप इंडियन फ्लैग लगा के ही निकले। और जैसे हमारी बस जो थी, जो कॉलेज के साइड से हम सारे बच्चे गए थे, हमारी भी व्हीकल्स में जो है इंडियन फ्लैग्स लगा हुआ था। तो इससे क्या कारण नहीं बता कि फ्लैग लगा? हमें तो बस इतना बताया गया था, तब हमने सोचा था कि हम इंडियन बच्चे हैं, तो शायद इस वजह से होगा कि इंडियन फ्लैग जो है कि ये इंडियन स्टूडेंट्स चाह रहे हैं। और जैसे जिन बच्चों के पास नहीं था, उन्होंने तिरंगा भी ड्रॉ करके जो है अपने पास रखे थे, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो फिर वो उसको, यानी दूसरे देशों के बच्चे भी वहां से निकलने के लिए इंडियन फ्लैग वो अपने पास रखे थे, ये बता रहे हैं। नहीं सर, हम लोग इंडियन फ्लैग अपने पास ड्रॉ करके, हमारे पास था कि अगर जैसे हम अभी अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं, तो फिर हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, और प्लस हमारा तो पासपोर्ट तो था, और उससे भी पता चलता है, लेकिन हमें अगर दूर से बताना है कि हम इंडियन हैं, तो फिर हमारे पास फ्लैग का सिम्बल होना चाहिए। नहीं, कुछ देश के बच्चे से जानकारी है कि जो वो भी लोग निकल नहीं पा रहे, तो इंडियन फ्लैग सर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी इंडियन एम्बेसी सबसे पहले आई हमें रेस्क्यू करने के लिए। बाद में और कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि उन्हें भी अपने बच्चों को निकालना चाहिए, तो फिर इस वजह से भी था कि और बच्चे भी पैनिक हो रहे थे, क्योंकि हम निकल रहे थे तो सब पैनिक हो रहे थे कि हमें भी इनके साथ ही निकल जाना है, उनकी एम्बेसी कब जो है स्टार्ट करे इम्प्लीमेंटेशन लाना। तो फिर इस वजह से कुछ बच्चे भी बॉर्डर क्रॉस कर गए थे इंडियन स्टूडेंट्स को देख के। आइए हम स्वाति और रचना जी की माता जी से बात करते हैं, उनको कैसा लगा, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है, आज के हालात भी वहाँ बहुत गड़बड़ चल रहे हैं, बेटियाँ आ गई हैं, कैसा? अच्छा लग रहा, आ गई दोनों बेटियाँ ना मेरी। कब से बातचीत हो रही, जब 24 तारीख से युद्ध चल रहा था? हाँ, बातचीत मेरी पूरी हो रही थी। क्या कम जान, मतलब किस विषय में, क्या मतलब कहाँ थे ये लोग, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये बातचीत हो रही थी। हाँ, बराबर हो रही थी, अच्छे से खा पी रहे ये लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई दोनों। सरकार से क्या कहेंगे आप? हम सरकार से कहेंगे बहुत अच्छी सरकार है, जो मेरे बच्चों को सही सलामत घर पहुँचा दिया।